दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस लेशन में, जिसमें कि हम बताएंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स का प्रिंटआउट कैसे लेते हैं और इस प्रिंटआउट का प्रीव्यू कैसे देखते हैं, यानी किस प्रकार से प्रिंट निकलेगा इसको कैसे देखते हैं, जिससे कि हम उसे इम्प्रूव करके यदि कोई गलती है तो उसको फिर से निकाल सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रिंटआउट निकालना है तो इसका एक शॉर्टकट की कोड है, वो है कंट्रोल और पी, यानी कंट्रोल बटन प्रेस किए रहना है और पी प्रेस करना है, वहाँ पे जाना है, या आप ऑफिस बटन या फाइल बटन, यहाँ पे जो है आपको लेफ्ट साइड में टॉप पे दिख रहा होगा, यहीं पे ऑफिस बटन भी होता है किसी पावर पॉइंट के वर्जन में और किसी में फाइल होता है, तो फाइल में आपको क्लिक करना है ऐसे। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में इसका जो भी हमारी स्लाइड वन है उसका प्रीव्यू ऑलरेडी दिख रहा है और कितनी स्लाइड्स हैं वहाँ यहाँ पर भी दिख रहा है। आपको दूसरी स्लाइड का प्रीव्यू देखना है तो इस जो एरो है इसमें क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो सेकंड स्लाइड आ जाएगी। ये मैंने क्लिक किया तो सेकंड स्लाइड का प्रीव्यू दिखा रहा है और यहाँ क्लिक किया तो तीसरी शीट का प्रीव्यू दोस्तों आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड में आते हैं और इधर के मेन्यू के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें हमने अभी PDF सेलेक्ट किया हुआ है, PDF एज ए प्रिंट सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डू PDF जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों इसमें आप सारी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, कुछ स्लाइड प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे उन स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आता है कि एक पेज में एक स्लाइड होगी या दो स्लाइड होगी या तीन स्लाइड होगी, ये ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, वन स्लाइड, टू स्लाइड, और यहाँ इसका प्रीव्यू भी दिख रहा है, टू स्लाइड होंगी तो एक ऊपर एक नीचे होगी, तीन स्लाइड होंगी तो ये तीन ऐसे करके कंटिन्यूसली होंगी, उस प्रकार चार स्लाइड्स इस तरह होंगी, छः और नौ, इस तरह से इसका प्रीव्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों उसके आगे बढ़ते हैं, एक कोलेशन का ये ऑप्शन आता है। कोलेशन में कहता है जब प्रिंट करेगा, यानी कि जब इसमें जो कि PDF है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पेजेस करें, ये इसमें आपको यहाँ पर देना होगा। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि PDF में स्टार्टिंग टू फिनिश ही करेगा ये। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कलर में करना है, ग्रे स्केल में करना है या प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें लेकिन जनरली हम लोग प्रिंट करते हैं पेपर में, तो उसमें PDF की बजाय आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जहाँ प्रिंटर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है उस प्रिंटर का नाम, तो आप यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए कौन सा प्रिंटर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ इंस्टॉल्ड है, लगा हुआ है, उसको आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि हमारे लैपटॉप के साथ ये प्रिंटर इंस्टॉल्ड है। आप देख रहे हो कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा भी आ चुके हैं इसमें, जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट वन साइडेड या बोथ साइड्स करके आप कर सकते हैं इसको। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन है कॉपीज़ का। कॉपीज़ मीन्स आप उस प्रेजेंटेशन की जितनी कॉपियाँ निकालना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं दो सेट निकालें, तीन सेट निकालें, चार सेट निकालें, वो ये चीज़ मान लें आपने दो लोगों को और देना है उसी प्रेजेंटेशन को, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा देंगे। तो आपकी अगर स्लाइड तीन स्लाइडें हैं तो हर तीन स्लाइड की उतने सेट बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वन इस तरह बढ़ा सकते हैं या सीधा यहाँ पर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया कॉपीज के बारे में। अब आते हैं हम नीचे की सेटिंग्स के बारे में। इसमें दोस्तों है प्रिंट ऑल स्लाइड्स, यानी सारी स्लाइड जितने भी हैं, जैसे इसमें तीन स्लाइड टोटल हैं, तीनों को प्रिंट करना है तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसको रहने दीजिए। अगर आपको उसमें चेंज करना है तो जैसे आप इसमें चेंजेस करने के लिए आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिए उसमें प्रिंट करंट स्लाइड, यानी करंट यानी जो सामने आपको स्लाइड दिख रही है प्रीव्यू में, वो स्लाइड केवल आपको प्रिंट करनी है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कस्टम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम रेंज मीन्स आप मान लिया कि 10 स्लाइड्स हैं, आप चाहते हैं 8 to 9 केवल प्रिंट करना है तो वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 8-9 कर देंगे तो केवल 8-9 होंगी। तो हम इसको थोड़ा रेंज कम कर लेते हैं और हम इसको 2-3 कर देते हैं। तो 2-3 करेंगे तो हमारे 2-3 जो मतलब दूसरी और तीसरी स्लाइड है वो इसमें प्रिंट होंगी। तो फ्रेंड्स ये इसका तरीका है रेंज को प्रिंट करने का। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि यहीं पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये प्रिंट हिडन स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि कुछ स्लाइड ऐसी होती हैं जो दोस्त जो आप बना तो लेते हैं लेकिन आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं उसको, और साथ ही साथ आप उसको जब प्रेजेंटेशन को शो करेंगे
तो चूंकि वो स्लाइड्स हिडन है इसलिए वो शो नहीं होंगी। जब आप अपना प्रेजेंटेशन में एडिट करेंगे तब तो आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रेजेंटेशन को शो करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो हिडन है। प्रिंट करते समय अगर हिडन स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में है तो ये इनेबल रहता है, अदरवाइज ये डिसेबल रहता है। तो हमने आपको अभी दिखाया था जो थर्ड स्लाइड है, आप इसका प्रीव्यू देखिए, ये स्लाइड हमने हिडन कर रखा है इसलिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहा था। तो अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इसको टिक रखना है, अगर नहीं प्रिंट करना है तो इसको अनटिक कर देना है इस तरह से। तो ये अनटिक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं अनटिक हो चुका है, तो अब ये प्रिंट नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने इसको फिर से टिक कर दिया इसलिए ये इस तरह से आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये का हिडन स्लाइड का भी एक ऑप्शन होता है, जिसके बारे में हम कैसे हिडन करते हैं उसके बारे में हम अगले सेशन में, अगले लेसन में आपको बताएंगे। आगे दोस्तों आते हैं फुल पेज वन साइड, इसके बारे में दोस्तों हमने आपको भी बता ही दिया है। और उसके बाद आते हैं प्रिंट वन साइडेड या डबल साइडेड। आप जब किसी प्रिंटर में प्रिंट करते हैं तो पेपर की एक साइड होती है और दूसरी साइड होती है, अगर दोनों साइड में अगर प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करना होगा या यहाँ क्लिक करना होगा। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है प्रिंट फ्लिप फ्रॉम लॉन्ग एज, यानी कि जिस तरह से हम लोग जब नॉर्मली बुक्स में लिखा रहता है वो लॉन्ग एज में फ्लिप करके लिखा रहता है, लेकिन अगर आपको फ्लिप करना है उसमें शॉर्ट एज में तो आपको उसको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों फिर अगला ऑप्शन हमने आपको बताया हुआ है इसमें पहले ही, इसमें कोलेट 1 2 3। इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस तब है जब आप मोर देन वन कॉपी, जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर मोर देन वन कॉपी जब सेलेक्ट करते हैं तब इसका सिग्निफिकेंस आता है, क्योंकि तो जब वन ही होगा तो 1 2 3 एक एक पेज वो निकाल देगा, लेकिन आप मोर देन वन कॉपी अगर करते हैं तो ये जो अनकोलेटेड वाला पार्ट है ये पिक्चर में आता है, क्योंकि मोर देन जब वन होता है तो सबसे पहले ये पेज वन सारे निकाल देगा, जितनी भी कॉपी, मान ली 2 कॉपी आपने सेलेक्ट किया है तो पहले 2 कॉपियाँ पेज पेज वन स्लाइड वन आप कह सकते हैं, स्लाइड वन की निकालेगा, फिर स्लाइड टू की दोनों निकालेगा, फिर स्लाइड थ्री की निकालेगा। तो आप जिस तरह ऑप्शन चाह रहे हैं उस तरह इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है, एक कलर का ऑप्शन है और ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट का, ये हमने आपको पहले ही बताया, जो आपको चाहिए इसमें आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं आपको अभी बताऊंगा जो है एडिट हेडर एंड फुटर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा सकते हैं आप, और उसके अलावा कुछ फुट नोट आप यहाँ लिखवा सकते हैं, स्लाइड का नंबर यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं आप, जो चाहें ऑप्शन आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये जैसे कि हेडर स्लाइड है हमारी नंबर वन, टाइटल स्लाइड इसको बोलते हैं, नंबर वन स्लाइड को एक टाइटल स्लाइड है, उसके बाद दो हमारी ये स्लाइड्स हैं। टाइटल स्लाइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि टाइटल स्लाइड का यहाँ सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप जाएंगे एडिट हेडर एंड फुटर में, अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व भी करिएगा नीचे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसके ऑब्जर्व करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसमें स्लाइड में एक ऑप्शन है इंक्लूड डेट, इंक्लूड ऑन स्लाइड, तो अगर डेट और टाइम अगर आपको इसमें चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ फिक्स में ऑलरेडी क्लिक्ड है, यानी कि आज 18 फरवरी है, तो 18 फरवरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आज आप 18 फरवरी आज इसको ऐसा कर रहे हैं, अगर आप कल प्रिंट करें, कल चूंकि 19 फरवरी होगी तो 19 यहाँ पर आए, तो ऐसा करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा, ये जैसे आपने कर लिया, जब आप दोबारा प्रिंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड होगा डेट और नई डेट बोलेगा। तो ये दोस्तों एक तरीका है ऑटोमेटिकली अपडेट करने का। उसके बाद दोस्तों आता है इसको अपडेट करने का, तो मैं इसे यहाँ पर इस बटन में अगर अप्लाई करूँगा तो आप नीचे देखिएगा जैसे अप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट होके नीचे आ जाएगा, ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर आपको डेट यहाँ पर थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई और सारी स्लाइड्स में आ चुकी है। तो दोस्तों इस पर और ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें जिस तरह की आप डेट्स या मंथ चाहें उस तरह का आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वही इसमें नीचे आने लगेगा। अगले ऑप्शन की बात करते हैं स्लाइड नंबर की, अगर स्लाइड नंबर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कि स्लाइड नंबर ये कहाँ पर देगा, आप इसको अनटिक करके देखिए, तो ये यहाँ पर अभी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी ब्लैक हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर इस ऑप्शन को वो देगा। उसके अलावा आता है दोस्तों फुटर, फुटर ये बीच में जो है ये फुटर, तो आप यहाँ पर जो लिखेंगे वही यहाँ पर आने लगेगा फुटर में, यानी स्लाइड के बीच में। मैं अगर इसमें लिखना चाहूँ तो मैं जैसे पावर पॉइंट लिखता हूँ,
पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट स्लाइड के बीच में यहाँ पे आने लगेगा और स्लाइड का जो नंबर हमने यहाँ सेलेक्ट किया वो यहाँ पर लास्ट में आने लगेगा। अब मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पावर पॉइंट आने लगा और यहाँ स्लाइड का नंबर आने लगा। अब आप देखेंगे कि अप्लाई टू ऑल हमने किया इसलिए सारी स्लाइड में दिखेगा आपको, ये देखिए दूसरी स्लाइड और ये तीसरी स्लाइड। अब एक और ऑप्शन की मैं आपको बात करता हूँ, वो है ये टाइटल स्लाइड का। जैसे ये हमारी एक पहली स्लाइड जो टाइटल स्लाइड होती है उसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है कि आपने जो ये फुटर में डेट्स फुटर बल्कि टाइटल नहीं फुटर और ये स्लाइड का नंबर यहाँ पर किए हैं, आप चाहें तो टाइटल स्लाइड जो आपकी है उससे आप इसको हटा दें, यानी टाइटल स्लाइड में ना रहे बाकी में ये रहे। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ये यहाँ पर डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, यानी जो भी हम ये अपडेशन करते हैं यहाँ पर ये टाइटल स्लाइड में ना दिखे, तो इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको अप्लाई टू ऑल कर देना है तो यहाँ से ये हट जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ से हट चुका है, लेकिन अगली स्लाइड में आप देखोगे तो ये दिखेगा, ये ऑलरेडी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये तरीका होता है आपका यहाँ पर ये फुटर और ये सारी चीज़ों का ऑप्शन को यूज करने का, और इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद ये सब करने के बाद आपको प्रिंट करने का जो हमने ऑप्शन अभी आपको बताया उस तरह से आप अपने सिलेक्शन करके आपको सीधा यहाँ प्रिंट में क्लिक कर देना है, ये प्रिंट की जो बटन है, और इस तरह से ये जिस तरह से आपने सेटिंग कर रखी है अभी जो हमने बताया इस तरह से ये प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपने इस पूरे हमारे लेसन में ये सीखा कि प्रिंट प्रीव्यू कैसे करते हैं और प्रिंटर की जो सेटिंग्स हैं आपकी जो कस्टमाइज सेटिंग है उसके बारे में आपने जाना कि किस प्रकार से आपको ज़रूरत के अनुसार प्रिंटआउट कैसे निकाल सकते हैं, और हेडर और फुटर के बारे में जो चेंजेस हैं उसके बारे में आपने जाना। दोस्तों ख़त्म करने से पहले हम आपको ये बता दें, यहाँ पर हम हेडर और फुटर में गए थे, उसके बाद नोट्स एंड हैंडआउट्स का जो ऑप्शन है दोस्तों हम इसको अगले अपने लेसन्स में कवर करेंगे, क्योंकि अभी जितना हम आपको इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बता चुके हैं अभी तक ये उतना आपको रिलेवेंट नहीं लगेगा, क्योंकि नोट्स और हैंडआउट्स के बारे में हमने नहीं बताया है। इसलिए जब हम आपको बताएंगे तो आपको दोस्तों इसके बारे में समझ में आएगा, फिर इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस लेसन में बहुत कुछ सीखे होंगे। अगले लेसन में दोस्तों हम आपको एक इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बताएंगे और सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बड़े आसान भाषा में, आसान शब्दों में। तो दोस्तों बस इस लेसन में बस इतना ही, धन्यवाद।